गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट बीएससी जी थर्ड ईयर सेकंड सेमेस्टर। आपका जो कोर्स के अकॉर्डिंग कल रेनफेड एग्रीकल्चर में वाटरसेट मैनेजमेंट लेक्चर टॉपिक थी, तो वाटरसेट मैनेजमेंट में आपका डेफिनेशन कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ये आपका हो चुका था कल की क्लास में। आज की क्लास में आपका बचा हुआ जो उस टॉपिक में द प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट, वाटर सेट मैनेजमेंट का सिद्धांत क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें हम डिस्कस करेंगे। वाटर सेट मैनेजमेंट में आप देखते हैं कि इस तरीके से वहां पे हम उसके सिद्धांतों का पालन करते हुए कल्टीवेशन वाटर को हार्वेस्ट करके उस एरिया में वाटर मैनेजमेंट जो वाटर सेट मैनेजमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर ध्यान देना है कि सबसे पहले क्लास जो वहां के अकॉर्डिंग क्रॉप की क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड यूज कैपेबिलिटी, लैंड यूज कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि जो एरिया इरिगेटेड है जहां पे हमें क्रॉप की कल्टीवेशन करना है उसके अकॉर्डिंग उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंट दें, एंड जो फॉरेस्ट रीजन है जहां पे जो प्लांट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग, तो आप उसको देखकर जो फर्स्ट आपका है यूटिलाइजिंग द लैंड अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेबिलिटी बेस्ड ऑन लैंड यूज क्लासिफिकेशन। जो लैंड यूज बेस्ड ऑन लैंड यूज क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वहां पर भी वाटर सेट मैनेजमेंट करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट कंजर्विंग एज मच रेन वाटर एज पॉसिबल एट द प्लेस वेयर इट फॉल्स इन सीटू कंजर्वेशन, यानी वहां पे इन सीटू कंजर्वेशन के प्रोसेस के द्वारा वहां पे हमें वाटर सेट मैनेजमेंट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट आइडेंटिफाइंग ए सुटेबल क्रॉपिंग पैटर्न ऑन द वाटर सेट एरिया, आइडेंटिफाइंग ए सुटेबल क्रॉपिंग पैटर्न फॉर द वाटर सेट एरिया। एंड नेक्स्ट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट वाटर, उसके अकॉर्डिंग वहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी उसकी हम उसके अकॉर्डिंग करें पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट वाटर। एंड नेक्स्ट इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज विथ रिगार्ड टू स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग, वहां पे इन सब चीजों को भी ध्यान में देना चाहिए सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि फैसिलिटीज विथ रिगार्ड टू स्टोरेज, स्टोरेज कैपेसिटी हो वाटर की एंड ट्रांसपोर्टेशन यातायात एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए भी वहां पर उस चीज को जो असुविधा ना हो उसके अकॉर्डिंग वहां पे हम ये प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से करते हैं। आप उसको नोट भी कर लेना। फर्स्ट यूटिलाइजिंग द लैंड अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेबिलिटी बेस्ड ऑन लैंड यूज क्लासिफिकेशन। एंड नेक्स्ट कंजर्विंग एज मच रेन वाटर एज पॉसिबल एट द प्लेस वेयर इट फॉल्स इन सीटू कंजर्वेशन। एंड नेक्स्ट अवॉइडिंग गली फॉर्मेशन एंड पुटिंग अप चेक डैम्स एट सुटेबल प्लेस टू कंट्रोल सॉइल इरोजन टू स्टोर रेन वाटर एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर। एंड नेक्स्ट आइडेंटिफाइंग ए सुटेबल क्रॉपिंग पैटर्न फॉर वाटर सेट एरिया। एंड नेक्स्ट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम
and per unit water. Next, increasing cropping intensity and land equivalent ratio through intercropping and sequence cropping. And next, safe utilization of marginal and waste land through alternate land use systems such as agroforestry. And next, ensuring sustainability of the ecosystem beneficiary, the main animals, plant, land water complex in the watershed. And next, stabilization, total income and cutting down risk of during aberrant weather situations. And last, improving infrastructural facilities with regard to storage, transportation and marketing. तो आपने देखा इसमें जो वाटरशेड मैनेजमेंट में प्रिंसिपल सिद्धांत के अकॉर्डिंग गांव के हमें वाटर स्टोर जो वाटर कैचमेंट एरिया में वाटरशेड मैनेजमेंट करना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग जो आप देखते हैं कि रन ऑफ वाटर है, ऐसी एरिया में जो रन ऑफ वाटर को हम स्टोर करें और ऐसी कंडीशन ना हो जहां पे रेन इरोजन के द्वारा वाटर वहां पे ज्यादा लॉस हो रहे हैं। तो वाटर कैचमेंट एरिया में आप देखते हैं कि बहुत से इस तरीके से होते हैं कि जैसे जो लॉन्ग मेजरमेंट लंबे पैमाने का हो और एक आपका जो कल्टीवेशन आप करना चाह रहे हैं उसकी एरिया के अकॉर्डिंग हमें वहां पर वाटर सेट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमें पॉन्ड्स या पिट का निर्माण करना चाहिए कि जो वाटर हम स्टोर कर रहे हैं उसका यूटिलाइज प्रॉपर कर सके। तो आज आपकी जो टॉपिक थी उसके अकॉर्डिंग ये, एंड नेक्स्ट आपका जो स्लोप की अकॉर्डिंग जो देखते हैं कि स्लोप वहां पे कितना होना चाहिए, तो स्लोप के अकॉर्डिंग S इज इक्वल टू एम एन, S इज इक्वल टू कैपिटल एम स्मॉल एन डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई 100, वेयर कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एन इज इक्वल टू रिक्लन कैपिटल एम इज इक्वल टू वाटर सेट मै एंड कंटूर्स सीओ एंड टीओ यू आर एस एंड स्मॉल एन इज इक्वल टू कंटूर इंटरवल कंटूर इंटरवल and A is equal to watershed area. Watershed area. तो slope percent निकालने के लिए S is equal to MN divided by A multiplied by 100. तो इसके according कितना slope है उस area में जो हम water harvesting करते हैं, तो इस formula के आधार पे हम वहां की area की according निकाल सकते हैं। तो आज के टॉपिक में जो आपका बचा हुआ था वाटर सेट मैनेजमेंट, जो कल आपका वाटर सेट डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स हो चुके थे, आज बचा हुआ था वाटर सेट मैनेजमेंट में द प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट जो आज आपको बता दें। तो नेक्स्ट टॉपिक टुमारो क्लास। और हाँ, आप स्टूडेंट जो आप वीडियो देखते हो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी किया करें, जिससे कि आपके पास जो मैटर है वो प्रॉपर पहुंच सके। दैट्स ऑल, थैंक यू।